स्पीकर साहब मुझे देखें। इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। लेकिन शायद अवाम की नुमाइंदगी करने वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है। इनको एहसास नहीं है कि ये जगह कितनी मुकद्दस है जहाँ ये बैठे हुए हैं। और अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह के बंदो आप लोगों को चूज़ किया इस जगह पे बैठने के लिए, अवाम की खिदमत करने के लिए, जो कहते हैं ना सियासत इबादत है, तो इबादत समझ के करो ना। शायद अगले पिछले गुनाह माफ़ करवा लें अगर इबादत समझ के करना शुरू कर दें आज से। लेकिन नहीं, कैसे करेंगे, एहसास ही नहीं, नीयत ही नहीं। अब इसलिए ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का भी दुनिया में मजाक उड़वाते हैं और उड़ाते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट का ऐवान आपने देखा कि आए रोज़ मछली बाजार बना होता है। तमाम जमातें जमहूरियत 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 का नारा लगाती हैं सुबह दोपहर शाम। जमहूरियत का मतलब समझते हैं आप लोग? और ऐवान में जमहूरियत और जमहूरी रवैयों की धज्जियाँ उड़ाते हैं यही लोग जो बार बार कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। पहले खुद तो पढ़े कि जमहूरियत है क्या, इसका मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली बताएं कि जमहूरियत क्या। और आप लोग कितने जमहूरी हैं, प्रैक्टिकली जीरो सिफर अंडा, परफॉर्मेंस जीरो सिफर अंडा, और बातें सुनने से बड़ी बड़ी सुबह दोपहर शाम जमहूरियत का राग लापते हैं। खुद आपका रवैया जमहूरी है? दिल पे हाथ रखे और बताइए कितने जमहूरी हैं आप लोग, कितना समझते हैं आप लोग जमहूरियत को। ऐवान में जाते ही ये जो हमारे नुमाइंदे हैं ना, इनका ये जो बर्दाश्त करने का एक लेवल है, टॉलरेंस लेवल, वो सिफर जीरो अंडा हो जाता है। एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। पता नहीं क्या कौन सी पुरानी लड़ाइयां जिनकी खत्म नहीं होती, ग्रजेस खत्म ही नहीं होती है। एक दूसरे को देखते तो ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। जब भी कौमी असेंबली का इजलास होता है, बताइए जरा नाजरीन, तो क्या आता है आपके जहन में सबसे पहले? जितने लोग टीवी देख रहे हैं, बोल न्यूज देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जरा बताइएगा, दिल पे हाथ रखेगा, बताइएगा, जब भी आप कभी टीवी लगाएं और कौमी असेंबली का इजलास हो तो आपके जहन में सबसे पहले क्या होता है? यही होता है ना कि अभी लड़ाई हुई, अभी लड़ाई हुई, अभी लड़ाई हुई, अभी ये हुआ, अभी वो हुआ, पता नहीं कौन वॉकआउट कर जाएगा, पता नहीं इख्तलाफ कहाँ तक चला जाएगा, कितनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, पता नहीं कौन गालम गलोच करेगा, कौन क्या जवाब देगा, किस बात का क्या जवाब दिया जाएगा। और सबके जहन में एक सवाल आता होगा, जितने भी लोग इस टाइम पर देख रहे हैं, कि ये जो इजलास शुरू हुआ है, ये इजलास आवाम के लिए, इसमें कोई बात की जाएगी, कोई फ़ायदा मंद साबित होगा, या ऐसे ही बस वक्त का पैसे का ज़ाया, अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया होगा, वक्त भी ज़ाया होगा। यही नहीं बल्कि अवाम भी ऐवान के हर इजलास में कह लें कि नज़रें जमा लेती है कि उनके जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके हक़ में शायद कोई कानून साजी कर दें शायद। लेकिन हर बार ये जो बेचारी अवाम है ना, इसको एक ही चीज़ मिलती है, और उस चीज़ को क्या कहते हैं? मायूसी। मायूसी, इन्हें आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती है इन लोगों को, तो कौन सी कानून साजी करेंगे, कौन सी तवज्जो देंगे ये, जब इनके आपस के झगड़े, इनके ग्रजेस, पता नहीं कौन से इनके अंदर झगड़े हैं जो पले चले जा रहे हैं, इनके गुस्से ख़त्म नहीं हो रहे, एक दूसरे की शक्लें देख के खाने को दौड़ते हैं। अजीबोगरीब है हमारे ये नुमाइंदे जो हैं। अब कल जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, खुदा की पना, तो बड़े बड़े नाम, और कैसी, मैं अफसोस के साथ अल्फाज बोल रही हूँ, अब मेरे अल्फाज चुभेंगे इन लोगों को, कैसे कैसे बाजारी जबान इस्तेमाल करते रहे, बाजारी जबान ही होती है ये, अफसोस के साथ कहूँगी, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं बाजारी जबान होती है। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, तो आप पे शक करने पर आ जाए कि बाकी आप लोग तालीम याफ्ते, आपके पास डिग्रीज हैं, आप लोग बाकी कभी स्कूल कॉलेज गए, यूनिवर्सिटीज में गए या नहीं गए, कैसे एक दूसरे पर ये बजट की कॉपियां फेंक कर इखलाकियात की बातें धज्जियां उड़ा रहे। तो क्या मैसेज जा रहा था पाकिस्तान से बाहर कि ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारे सियासतदान, और ये वो सियासत है जिसको कहते थे इबादत। क्लिप चलाइएगा जरा टीम, दिखाइएगा जरा नाजरीन को। अब देखा आपने, सुना आपने, एक ही नहीं तौर पर देखकर पाकिस्तानियों के सर तो शर्म से झुक गए हैं कि क्या इसलिए इन लोगों को वोट देकर हम लोगों ने यहां पहुंचाया था, ये काम करने गए थे, जरा बताइएगा, ये काम करने गए थे ये लोग, ये हमारे अवामी नुमाइंदे ये कर रहे हैं अवाम की खिदमत, खिदमत ही कर रहे होंगे अगर कहते हैं तो, खिदमत ही होगी शायद ये।
कौम की तकदीर बदल रहे हैं ये, ऐसे बदलती होगी तकदीर मेरे ख्याल से, जैसे बदल रहे हैं ये, बदल रहे हैं तकदीर, शायद जल्दी बदल जाएगी तकदीर कौम की। इनके रवैयों से लगता है कि अब ये पैगाम देना पड़ेगा कि वालिदैन कौमी असम्बली का अजलास अपने बच्चों के साथ बैठकर ना देखें। इनमें से बहुत से नुमाइंदे ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के आइडियल होंगे, और बहुत से बच्चे सियासत में भी आना चाहते हैं, बहुत से बच्चे इनको देखकर बोलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं, और बच्चे इनको बाकायदा फॉलो करते हैं, इनके जैसा बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को कौन बताए कि बड़े आदमी, अफसोस के साथ कहूँगी कि इतनी छोटी हरकतें करते हैं, और आए दिन करते हैं छोटी हरकतें, ये सो कॉल्ड बड़े आदमी, बड़े लोग इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि शर्म इन्हें मेरे ख्याल से आती नहीं है, पर इनको देखकर देखने वाला कोई किन्हीं तो पे शर्म आती होगी। मैं अपने रहबरों को क्या कहूँ, अब यही कहती हूँ कि अगर आपका अपने जज्बात पर काबू नहीं है, इतने आप लोग जज्बाती लोग हैं, इतने जज्बाती हैं, और आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो सारी दुनिया देख चुकी है, अगर आप ज़बान पर ताले नहीं लगा सकते तो फिर कौमी असेंबली के ज़बान को ताले लगा दें, या तो अपनी ज़बानों को ताले लगा दें, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लें, या फिर ज़बान को ताले लगा दें। ऐसा करने से मेरे ख्याल से कम अज़ कम जो ऐवान के साथ मुकद्दस आता है ना, मुकद्दस ऐवान, इसका वकार वकार ख़राब नहीं होगा। और कौमी असेंबली पे जो इजलास पे जो पैसे लगते हैं करोड़ों रुपये, वो भी ज़ाया नहीं होंगे, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। चले वक्त तो इन लोगों के पास बहुत होगा, जज्बात भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़बानों पे भी ताले नहीं लगेंगे, गालियाँ भी इन सबको आती हैं, बहुत से लोगों को आती हैं जो देते हैं, लेकिन अवाम के पैसे तो बच जाएंगे। जो एक मुकद्दस हमारा ऐवान है उसका तकद्दस तो बच जाएगा, वकार तो बच जाएगा, उसकी इज्जत तो बच जाएगी, दुनिया में जगहसाई तो नहीं होगी। आप लोगों के पास तो बहुत वक्त है, कहीं और बैठ के गालियाँ निकाल के ज़ाया कर लें, इस मुकद्दस ऐवान में बैठ के क्यों, अवाम के टैक्स के पैसों से क्यों? और अवाम के नुमाइंदों को ये ख्याल तक नहीं रहता कि जिस इजलास में शिरकत कर रहे हैं इस पर लगने वाला पैसा अवाम के खून पसीने की कमाई है। अल्लाह के बंदो, खून पसीने की कमाई है उन बेचारे अवाम की, जिसको आप लोग ऐसे ज़ाया कर रहे हैं। ये पैसा इसलिए नहीं है जो ऐवान में रोज़ रोज़ अवामी नुमाइंदों की ये जो आपस की लड़ाई हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, मनमानी हैं, ज़िद है, ग्रजीज हैं, उसके लिए खर्च हो जाए। और हमारे रहबर अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए कहते हैं, कहने की खिलाफियात की हर हद पार कर जाते हैं, हर हद। अगर इतना इनको लड़ने का शौक है, मेरे ख्याल से रेसलिंग कर लें, अपनी फील्ड चेंज कर लें, लड़े दिन रात। फिर ऐवान में फिर आप लोगों का क्या काम है? अगर ज़्यादा जज्बा है ना तो जाकर दहशतगर्दों से लड़ें ताकि मुल्क को कोई फ़ायदा ही दे दें आप लोग। अगला क्लिप चलाइएगा। हुकूमत कहती है जी ऑपोजिशन हर बार ही ऐवान में तकदीर करने से। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान की संसद में दो दिन पहले क्या हुआ, पाकिस्तान की संसद में जो हालात हुए बने उसको लेकर सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना, पाकिस्तान के लोगों का मतलब इतना मजाक उड़ाया गया कि ये किस तरीके के लोग हैं जो सांसद बनकर संसद में इस तरीके की हरकत करते हैं। हालांकि मुझे पता नहीं है कि सांसद को पाकिस्तान में कहते क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते होंगे, लेकिन अब जो भी वर्ड है उर्दू है हिंदी का जो भी मुझे नहीं पता वहाँ का क्या है। तो दोस्तों रीज़न क्या है कि उसके बाद जो रिएक्शन आया है, मतलब जिन लोगों ने गाली दी है, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि पंजाबी कल्चर का हिस्सा है गाली, तो हम तो देंगे गाली। मतलब आप सोचे दोस्तों इस तरीके की बातें हो रही है पाकिस्तान की मीडिया में, तो आप समझ रहे हो, मतलब गाली देने के बाद एक तो चले बोलने की मैं गुस्से में ऐसा बोल गया, या अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस तरीके का मतलब शब्द बोल रहे हैं कि पंजाबी कल्चर का हिस्सा है गाली। हाँ ये बात सही है कि गाली देना हिस्सा है, बट गाली देना कहीं मतलब आप दोस्तों के साथ दे लो गाली, या कहीं ऐसे जगह दे लो गाली, लेकिन आप पार्लियामेंट जैसी जगह पर गाली दे रहे हो तो ये तो डेफिनेटली हिस्सा नहीं है। तो फिजा खान का वीडियो जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन तो ये बड़ी शांत थी, लेकिन आज ये बड़बड़ कर रही है, इसको देखकर रिएक्शन दे रही है, तो मैंने सोचा वीडियो अपलोड किया जाए। तो पाकिस्तान की सदन में जो कुछ भी हो उसको लेकर सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना और पाकिस्तान के लोगों का मजाक बना, और जिन लोगों पर ये मतलब जिन लोगों ने ये चीज़ें की उनको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी सजाएं मिली हैं, सस्पेंड हुए हैं कुछ कुछ दिनों के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ उनके साथ हुआ नहीं है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।